झूठी बात भी सच लगने लगती है। ऐसा होता है आपके साथ कि आप सारा दिन सोच रहे हो कि यार ये कब हुआ था, कोई मेमोरी जहन में आ रही हो, लेकिन बाद में आपको याद आया ये तो मैंने ख्वाब देखा था। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आपके साथ इस पूरी वीडियो में, जो कि अजीब सी चीजें हमारे साथ होती हैं। Assalamualaikum, I'm Rabika Batul. I'm a Muslim inspirational speaker, trainer, coach and entrepreneur. तो आज एक मज़ेदार मैं आप लोग के साथ फैक्ट शेयर करने आई हूँ और एक मज़ेदार चीज़ शेयर करने आई हूँ जो कि बहुत से लोग डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे पहली बात, आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है कि कभी आप सारा दिन अच्छी तरह सोचते हो कि यार ये एक चीज़ हुई थी, लेकिन ये कब हुई थी? एक मेमोरी आपके जहन में घूम रही हो और आप बहुत अच्छी तरह से याद करने की कोशिश कर रहे हो यार ये कब हुआ था, आपको याद नहीं आता। लेकिन बाद में आपको याद आता है यार ये तो ख्वाब था मेरा, तब आपको याद आता है। कभी कभार हम लोगों को कन्विंस करने की भी कोशिश करते हैं, याद है वो हुआ था एक दफ़ा, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये जो चीज़ थी ये तो ख्वाब था। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, मेरे साथ भी हो चुकी है। दूसरी चीज़ एक होती है, क्या हम जो है कभी कभार हमें फेक चीज़ बताई जाती है, जैसे फेक मेमोरीज बताई जाती हैं और उसके अंदर बहुत स्ट्रांग इमोशंस होना तो हमें जो है वो ट्रिगर कर लेती है और हम समझते हैं कभी कभार ऐसा लगता है कि असली इवेंट था वो और हम उसके अंदर मौजूद थे। ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें तब होती है जब हमें बचपन में बताई जाए, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मुझे बचपन में किसी ने कहा था कि लबीका आपके जो बाल हैं ना वो आपके पेरेंट्स ने बहुत छोटे कराए थे, एक दफ़ा बहुत छोटे करा दिए थे। तो मैं जो थी तब मैंने इतना गौर नहीं किया था, लेकिन बाद में जब मैं कहने 2-3 साल बाद की बात होगी, मैंने जो है सोचने शुरू कर दी यार एक दफ़ा तो पेरेंट्स ने मेरे बाल बहुत छोटे करवाए थे, मुझे याद है। और मैंने यकीन करें अपने आप को पिक्चर करना शुरू कर दिया उसके अंदर। मैं कहती थी मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है ऐसा हुआ था, मैंने अपने आप को पिक्चर करना शुरू कर दिया। ये एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर कर रही हूँ और मेरे यानी कि फैमिली के नहीं लबीका हमने आपके इतने छोटे बाल तो कभी नहीं करवाए थे। और मैं अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी बार बार कि नहीं याद कीजिए ऐसा हुआ था, आप लोगों ने मेरी पिक्चर भी खींची थी, ये हुआ था, याद है आपको? मैं अपनी फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि याद कह रहे हैं ऐसा हुआ था, वो मुझे आगे से कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ था, हमने कभी नहीं करवाया ऐसा। तो ये मेरे साथ बहुत देर हुआ, बहुत देर मैं ये क्लेम करती रही कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप लोगों ने मेरे बाल बहुत छोटे करवाए थे एक दफ़ा, मुझे अच्छी तरह याद है। और यकीन करें मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रांग मेमोरीज थी, बहुत स्ट्रांग पिक्चर थी जो कि मेरे जहन से कभी जाती नहीं थी, और मैंने खुद अपने जहन में मेमोरीज बनाना शुरू कर दी थी। ये नहीं कि मैं इंटेंशन नहीं कर रही थी, लेकिन वो खुद ब खुद हो रहा था चीज़ें। और ये मुझे जो है कभी बहुत देर तक मुझे लगता था कि यार ये मेरे साथ तस्लीम हुआ था, मेरे बाल वाकई में बहुत छोटे करवा दिए थे मेरे पेरेंट्स ने। जबकि बहुत देर बाद जो है मैंने अच्छी तरह अपनी लाइफ को कहने इमेजिन किया, मैंने कहा यार ऐसा हुआ था, मैंने अच्छी तरह सोचना शुरू किया। पहले तो मुझे भी समझ नहीं आई, लेकिन आहिस्ता बाद में मुझे समझ आना शुरू, कैसा नहीं हुआ था, मेरे पेरेंट्स ने मेरे बाल छोटे नहीं करवाए थे, जबकि वो सिर्फ मेरा एक कहने था, जबकि वो सिर्फ एक फॉल्स इंफॉर्मेशन थी, एक फॉल्स मेमोरी थी। ये चीज़ें आपको इतना इफेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि मुझे बचपन में किसी ने कहा था, मजाक में कहा था किसी ने मुझे कि आपके बाल बहुत छोटे करवाए थे आपके पेरेंट्स ने, तो मुझे वो बड़े होकर जो है वो चीज़ जो है बहुत लगनी शुरू होगी कि हाँ करवाए थे एक दफ़ा। और मैंने अपने कहने फैमिली को कन्विंस करना शुरू कर दिया, मैं मनवाने लगती थी कि यार ऐसा हुआ था, याद करें, और वो चीज़ असली में नहीं हुई थी। ये इतनी पावरफुल चीज़ है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसलिए कहा जाता है कि जब बच्चे छोटे हों तो उनसे ऐसी बातें ना की जाएं, या फेल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना की जाएं, या गलत डर ना लगाया जाए, बिकॉज वो उनकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट छोड़ सकते हैं। खैर मुझे तो अल्लाह के शुक्र से इतना कुछ नहीं हुआ था, वो तो एक मजाक था, लेकिन पर ऑब्वियसली वो जो एक चीज़ थी वो सच नहीं थी और मैं उसके ऊपर कब तक बिलीव करती रही थी, तो इसीलिए ये चीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल है। चलिए अब मैं एग्जांपल से स्टार्ट करना शुरू करती हूँ। ये तो आपको समझ आ गई कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन कैसे हमें इफेक्ट करती है। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उन्हें हम जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो ना उनके जहन में कहें छप जाती है और वो जो है उन्हें याद रहती है। स्पेशली छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? जैसे कि आई थिंक जब ये मेरे साथ हुआ था तब मैं 5-6 साल की थी जब मुझे बताया था कि आपके बाल बहुत छोटे किए गए थे, तो मुझे वो बहुत देर तक याद रहा और मैं बहुत देर तक उस पर बिलीव भी करती रही, ठीक है? तो ये चीज़ जो होती है आपको बहुत ज़्यादा के लिए इफेक्ट कर सकती है। चलिए ये तो छोटी चीज़ है, अगर आप बड़े हैं, ठीक है, आप एक मैच्योर एज में आ चुके हैं, तब आपको इस बात को कि आपके बाल एक बहुत छोटे कर रहे थे, मुमकिन चांसेस है कि आप उस बात पे बिलीव ना करें।
ठीक है। लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसा इवेंट शेयर करे कि याद है लबीका एक दफ़ा ऐसा हुआ था, इतना मज़ा आया था यार, वो हुआ था, ये हुआ था, और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो है हो, और आपको जो है अच्छी तरह वो इमोशंस के साथ बता रहा हो, तो बहुत मुमकिन चांसेस है कि वो जो सिचुएशन वो आपको बना के बता रहा है, जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है या वो जो असली नहीं है, वो आपके जहन में कह लें वो आपके जहन में एक छाप छोड़ दे और आपको वाकई में लगे कि वो असली में हुआ था। लोग जो है अपने आप को विजुलाइज करना शुरू कर देता है उसके अंदर, हाँ ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, और ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपके साथ ऐसा करती है। और ये जो है कह लें बहुत से लोग जो है इसे इंटेंशनली इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये हो जाता है। और हम जो है कह लें झूठी इन्फॉर्मेशन के ऊपर या जो इन्फॉर्मेशन सच नहीं है उसके ऊपर बिलीव करना शुरू कर देते हैं, और ये बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। बड़े मज़े की चीज़ है, लेकिन बड़े मज़े की चीज़ नहीं भी है, बिकॉज अगर अच्छे इवेंट्स हों तो कह लें बंदे को मज़ा आता है, लेकिन अगर आपके साथ गलत इवेंट शेयर कर दिए जाएँ, मतलब वर्स्ट इवेंट्स जिसके अंदर इमोशन अच्छे ना हो या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर दिए जाएँ, तो आपकी ज़िंदगी पे भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक फैक्ट है कि आपको जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, हमारा दिमाग उसे पकड़ लेता है। अगर उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशन है तो वो हमारे इमोशन को ट्रिगर कर देती है और हम जो है उसको असली मानना शुरू कर देते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को या उस कह लें सीन को जो आपको पेश किया जा रहा है। तो बहुत मुमकिन चांसेस ऐसा हो, और आप खुद नोट कीजिए कि हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ हो। जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि मुझे किसी ने कहा था मेरे बचपन में कि आपके बाल बहुत छोटे थे, तो मैंने उसके ऊपर बहुत देर तक, आप यकीन करें मैंने एक लंबे पीरियड तक उसको जो है यकीन किया उसके ऊपर, और इवन मैं अपने पेरेंट्स से कहती थी कि नो आप लोगों को गलतफहमी हो रही है, हुआ था ऐसा हुआ था, उन्होंने मुझे अच्छी तरह कहते थे नहीं करवाया था, हमने कभी ऐसा नहीं करवाया था। तो इतनी ज़्यादा जो है पावरफुल होती है, लेकिन हमें जो है इसके लिए कह लें एहतियात करनी होती है, और हमें अटेंटिवली जो है बातें सुननी चाहिए ताकि हम जो है हमारा जो दिमाग है ना वो इन चीज़ों पे बिलीव ना करे, और हमें जो है कॉन्शियसली बातें सुननी होती है। दूसरा एक फैक्ट है कि हम जो है अक्सर जो ड्रीम्स देखते हैं, हमें ख्वाब आते हैं, हम जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ख्वाब देखते हैं पूरा दिन जो है, या बहुत लंबे पीरियड के लिए भी हो सकता है कि हम सोचें कि ये चीज़ असली है। ये चीज़ भी मेरे साथ अक्सर होती रहती थी, तो मैंने ऐसी कोई ख्वाब देखना उठना, फिर हमने अपनी सिस्टर को कहना ऐसे ही कि याद है एक दफ़ा ऐसा हुआ था, मैंने एक दफ़ा पानी पिलाया था आपको, याद है फिर हमें ये हुआ था, वो मुझे गए कि लबीका आप क्या बात कर रही हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। तो फिर मैं अपने आप को खुद सोचने लगती थी ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, फिर मैं सोचना, बाद में मुझे पता चलना, एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता चलना कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये जस्ट एक ख्वाब था। और बहुत से लोगों को भी बहुत देर तक पता चलती है, और मैं उन्हें ब्लेम बिल्कुल नहीं करती, बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। हमारे माइंड ना बड़े कमाल की चीज़ है, बड़ी पावरफुल और बड़ी मज़े की चीज़ है, जो कि हमें कभी भी जो है कहीं भी फंसा सकती है, तो हमें बच के रहना चाहिए। तो मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे ना मैं अक्सर मुझे ख्वाब आते हैं तो मैं सो के उठती हूँ, तो मैं जो हूँ अक्सर तक ख्वाब कह लें याद करने की कोशिश करती हूँ क्या हुआ है होता है, और बहुत से लोग ये चीज़ करते हैं, ये फैक्ट है, और हम याद करने की कोशिश करते हैं क्या हुआ था क्या हुआ था क्या हुआ था, और हो सकता है मैं याद ना आता हो या आ जाता हो। हम उठते हैं और सारा दिन हमारे जहन में एक मेमोरी घूमी होती है, यार ऐसा हुआ था, हमें अच्छी तरह मेमोरी याद होती है, यार ऐसा हुआ था, ये भी हुआ था, वो भी हुआ था। हम स्मेल कर सकते हैं उस चीज़ को, क्योंकि ख्वाब के अंदर हम चीज़ें देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, और यू नो वो ऐसे ख्वाब में ऐसे होता ना कि हम बिल्कुल एक रियल जगह पर हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, और हम जो है जब असली कह लें दुनिया में आते हैं उठते हैं, तो हम जो है उस सेंस को भी फील हो सकता है, कर सकते हैं और सुन सकते हैं वो चीज़ें, और वो पूरा सीन हम याद कर सकते हैं कि क्या हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होता है कि फिर पता चलता होता है ख्वाब था, और ये बहुत मज़े का लगता है। हम सोचते हैं कि यार नहीं यार ये ख्वाब था, ये तो बिल्कुल असली चीज़ लग रही थी, बट ये बहुत से लोगों के साथ होता है, बड़े मज़े का फैक्ट है, लेकिन हमें कॉन्शियस भी रहना चाहिए ताकि हम इन चीज़ों में फंसे मना। तो ये मज़ेदार फैक्ट है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन इनका सोल्यूशन एक ही है कि आप जो है अटेंटिवली लिसन किया करें लोगों को, और सही इन्फॉर्मेशन को जो है आप इंडोर्स कर सकते हैं, और खुद जो है सोचें कि सही थी या नहीं है। तो आप जो है अटेंटिवली लिसन करें सही इन्फॉर्मेशन को, सही आप खुद ही समझ लेंगे गलत को गलत समझ लेंगे, यानी सच नहीं है तो सच नहीं समझ लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए, बिकॉज बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो रहा है और वो जो समझ नहीं पा रहे उनके साथ क्या हो रहा है, तो ये वीडियो उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।